युवा एक बहुत बड़ी स्तंभ है पूरा वर्ल्ड का। अगर युवा के हित के लिए अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो देश का विकास कभी भी संभव नहीं। हाँ, आप जो बोले थे कि आत्मनिर्भर के बारे में, कैसे बनेगा अगर सरकार हम लोग चुनते हैं तो सरकार तो हम लोग की करेगी नहीं, गरीब का किया कब है? जब से देखो तो पैसे वाले का ही कर रहा है वो, तब से अडानी अंबानी यही सब का न हो रहा है, हम लोग का क्या क्या है वो। युवा रोजगार नहीं ले पाएंगे तो देश का उससे विकास नहीं हो सकता। और ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी विकसित देश को बनाने के लिए सबसे पहले युवा को रोजगार देना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, बस युवा हैं बस काफ़ी है, बेरोजगार हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा की यह चुनावी यात्रा। हम लोग आज आए हैं आज छात्रों से बात करने की छात्र रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस पे छात्र के क्या मुद्दे हैं, छात्र रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं, आज हम छात्रों से बात करेंगे। आज हम पटना यूनिवर्सिटी के इलाके में आए हुए हैं, एक लाइब्रेरी है पढ़ाकुर लाइब्रेरी, उसी में मौजूद है और यहाँ पे कई छात्र हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो चलिए इनसे बात करें कि ये रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं। अच्छा, आप कितने सालों से पटना में रह रहे हैं? हम तो 3 साल से। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं आप छात्र, क्योंकि काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और अभी वैकेंसीज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, ये तो है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में खास करके, ये तो शुरू से ही है रोजगार का मुद्दा। तो क्या अपील करेंगे अभी सरकार से, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसी में कहा जाता है कि सरकारें चेंज होती है, तो क्या अपील करेंगे सरकार? अपील यही करेंगे कि जो भी नई सरकार आए तो वो रोजगार पे ध्यान दे, जो बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो समय पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, बेहतर कौन सी सरकार आपको लगती है करेगी, किसको किसके साथ है आपको? अभी तो तेजस्वी जो है आरजेडी का, वो तो हाँ वो तो दे रहे हैं रोजगार, अभी 2 लाख नौकरियां दी हैं टीचर का। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सऊद आलम हुआ। अच्छा, आप रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं बिहार में? रोजगार को लेकर ये सोचते हैं, जिस तरह पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि एक डेढ़ साल में पिछले हमने देखा कि अच्छा तरह से एक नियमित तरीके से चल रहा था, बट वैकेंसी तो फॉर्म तो निकाल दी जाती है लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे सिविल कोर्ट आया तो कितने दिनों हो गया, तो एक नियमित उसे कैलेंडर जारी को जिसने जिस तरह के अभी बीपीएससी ने जारी किया था कैलेंडर, उसी तरह एक नियमित तरीके से कैलेंडर जारी करके नियमित रूप से उसे एग्ज़ाम लेना चाहिए ताकि बच्चा सही डायरेक्शन पे मेहनत कर सके और अपना रोज़गार पा सके। अच्छा, और ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी विकसित देश को बनाने के लिए सबसे पहले युवा को रोज़गार देना चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, और विकसित देश बनना होगा तो सबसे पहले बेरोजगारी हटाना होगा। सरकार का एक और दलील आता है कि अभी हम सभी लोगों को, इतनी जनसंख्या बढ़ गया है देश का, कैसे सब लोगों को रोजगार दें, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? तो रोजगार बहुत से क्षेत्रों में, ज़रूरी नहीं कि आप इसी क्षेत्र में, आप एक से एक क्षेत्र में आप दूसरे लोन दे के फिनांस करवा के आप अलग अलग क्षेत्रों में दे सकते हैं। जो एबिलिटी होती है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको क्षमता के अकॉर्डिंग आप जॉब दे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब ही मिले, अगर हाँ अगर हम सक्षम हैं, हमें स्किल है, हमें डेप्थ एडेक्टर्स हैं इन चीज़ों में, तो आप हमको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे बड़ी बात थी लीक वाला मैटर, ये सब इसमें जो बेकसूर छात्र हैं वो पीछे चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को सरकार को अच्छाई से देखना चाहिए, गहन के मुद्दे, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, ताकि हम 2 साल 4 साल 5 साल इतनी मेहनत करते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी में कितने स्टूडेंट हैं, इतना मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाए, पेपर टल जाए, ये हो जाए, तो ये बहुत बड़ा इशू है, इससे बहुत उम्मीदें टूटती हैं, बहुत आशाएँ टूटती हैं, तो सरकार को चिंता करना, इसमें सोच करना चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए। अच्छा, कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है रोजगार को लेकर? देखिए, सरकार तो एक पीरियड एक काल लीजिए तो नीतीश कुमार भी, बिहार के लिए स्पेशली बोला जाए तो एक नीतीश कुमार भी अच्छे थे, जब आप 2005-07 में आए तो उस समय भी कुछ टीचर के बालिके, फिर अभी तेजस्वी यादव, अब देखिए मुख्यमंत्री तो सिरे दोनों को जाता है, ऐसा कि नहीं सिर्फ तेजस्वी यादव हो या आरजेडी हो, या था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, तो दोनों को सिरे जाता है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आरजेडी है, सिर्फ जेडीयू। केंद्र को लेकर क्या सोचते हैं?
केंद्र में, लेकिन जैसे पिछले कुछ दिनों से रेलवे वाले वैकेंसी रुकी हुई है, तो उनको बढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अप्लीकेंट। जैसे कि आप एक सीट दिया 12,000 और उसमें से बच्चा बैठते हैं 21 लाख, 22 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी है, तो इनको इनको देख के बढ़ा सीट बढ़ाना चाहिए और वो भी नियमित रूप से लेना चाहिए। जैसे SSC लेती है एक नियमित प्रॉपर वे में, इस तरह के रेलवे और भी तरह तरह के वैकेंसी होते हैं उसमें बढ़ाना चाहिए, सीटें को बढ़ाना चाहिए और सही समय पर लेना चाहिए। अच्छा, जब मोदी जी जब सरकार में आने वाले थे तो उस समय वादा किए थे लोगों से हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो मोदी जी बताएंगे ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे ना, तो हम युवा तो डिमांड ही मांग ही कर सकते हैं और उनके उसी विचार पे वोट भी किया गया था कि 2 करोड़ का रोजगार देगा, तो इन चीज़ों पे तो युवा उनको दिए भी थे वोट, तो अब ये उसकी सरकार है और प्रेजेंट में सरकार तो कोई वही बताएंगे ना। चुनाव में युवा किसके साथ, राहुल गांधी या मोदी के साथ? ये तो चुनाव परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा, ऐसा कुछ तो आप हमारे व्यक्तिगत मंथन से तो नहीं बता सकते, तो 4 जून को ही पता चल जाएगा आपको, बस 5 दिन की 6 दिन के बाद है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद तौसीफ आला। अच्छा, फिर अभी रोजगार को लेके आप युवा क्या सोचते हैं? जो सरकार अच्छे से स्टूडेंट को रोजगार के लिए जॉब प्रोवाइड कराए वही सरकार अच्छा है। देखिए, चुनावी वादे तो अलग होते हैं, जो हकीकत में जिसको जॉब दिया जाता है वो सरकार बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी और वो देश के डेवलपमेंट के लिए भी। जो सरकार जॉब दे, जैसे इंडिया ब्लॉक, वो जॉब दे, अभी वादे किए हुए हैं जॉब देंगे और तब देखें दिया जाएगा कि वही बेस्ट है। अभी तो मोदी जी वादे किए हुए हैं, सिर्फ वादे जुबले ही रह गए हैं जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कितने दिनों से? अभी फ़िलहाल BPSC टीचर का कर रहे हैं, वो 2 साल से कर रहे हैं। ये बड़ा समस्या पेपर लीक पूरा देश भर में हो रहा है, ज़्यादातर बिहार में हर चीज़ का लीक बिहारी से होता है और ये बड़ा समस्या है। इसको सरकार, सेंट्रल और स्टेट सरकार को भी कोई कानूनी ऐसा प्रावधान निकालना चाहिए जिससे अब नहीं कर सके सेंट्रल की स्टेट सरकार। इंडिया ब्लॉक क्या कि वो रोज़गार के मुद्दे पर बात करते हैं, इसीलिए उसी को देखना चाहते हैं, जो रोज़गार को रोज़गार देंगे उसी पर स्टूडेंट भी उसी को सपोर्ट करेगा। अभी वादे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चलेगा क्योंकि 10 साल देख लिया गया। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं? BPSC टीचर का TRA 3। अच्छा, रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में और आपकी क्या राय है रोजगार के बारे में? सबसे पहले तो सरकार जो है युवाओं के हित के लिए सोचे, जो भी सरकार आए, और अगर युवा रोजगार नहीं ले पाएंगे तो देश का उससे विकास नहीं हो सकता है। अभी जितने भी देश डेवलपमेंट की ओर जा रहा है उसमें हमारे युवा ही मतलब हर चीज़ में अग्रसर होते हैं और जो भी विकास का काम जो भी चीज़ होता है, युवा एक बहुत बड़ी स्तंभ है पूरा वर्ल्ड का। अगर युवा के हित के लिए अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो देश का विकास कभी भी संभव नहीं। और यह भी चीज़ है, जैसे विकास में एक चीज़ और देखा जाता है, सरकार बदलना ज़रूरी होता है। कोई भी सरकार जैसे 10 साल या 5 साल या 15 साल मतलब एक लंबा टाइम में अगर वो कर रहा है सत्ता पे, इनके अधिकार किया हुआ है, तो उससे हमारे देश का ही नुकसान होता है। अगर वो सत्ता बदल जाती है तो फिर नए चीज़ नए तरीके से देखने को मिलती है हम लोगों को। सर, बेहतर कौन आपको सरकारें लगती है रोज़गार को लेकर? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि BJP और कांग्रेस दोनों में अगर देखा जाए तो युवाओं के हित के लिए ज़्यादातर जो है कांग्रेस की सरकार ही अच्छा लगता है। लेकिन एक बात और, मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे तो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर का जहाँ तक सवाल है, आत्मनिर्भर के लिए कोई भी जो है जैसे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आत्मनिर्भर के लिए भी पूंजी चाहिए। अगर मेरे पास अभी पूंजी नहीं है तो हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो आत्मनिर्भर के लिए सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है, फिर उसके बाद एजुकेशन जैसे ही मिल जाएगा एजुकेशन से हम पूरा दुनिया जीत सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा जैसे गरीब फैमिली रहता है अमीर फैमिली रहता है तो उसमें सबको सही तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाता है। अब जैसे BPSC का जहाँ तक एजेंडा का सवाल है, BPSC का जो देख रहे हैं उसका जो अभी मतलब युवाओं के लिए जो सोच है BJP का,
वो हमको नहीं लगता है कि युवा के हित के लिए वो सोच रहे हैं। वो हमेशा अडानी अंबानी का जो सोच होता है एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के, तो उन सोच पे वो देश को ले जा रहा है, न कि युवाओं के सोच पे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के बारे में क्या सोचता है स्टूडेंट? देखिए, प्राइवेट के बारे में स्टूडेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में, अब प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा नहीं मान सकते हम, क्योंकि उसमें ज़्यादा जैसे 10 घंटे 12 घंटा खटना पड़ता है और उसके काम के अकॉर्डिंग पैसा उतना नहीं मिल पाता है। चूँकि ये हमारे भारत का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा दुनिया में अभी तो फ़िलहाल में 1 नंबर पे है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है मतलब युवा उतना अच्छा नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस बार युवा किसके साथ है, कौन सरकार के साथ है युवा? युवा तो मैं अभी जो मतलब सिचुएशन दिख रहा है हमको, युवा कांग्रेस के साथ है। हाँ, अच्छा, आप रोज़गार को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि मोदी जी भी कह रहे हैं कि इतनी जो बेरोजगारी है देश में, इतना जनसंख्या पर मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी तो हम लोग कर रहे हैं, और वाकई में हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी को, तो हम ही लोग ना बोलेंगे? मोदी जी को तो देख ही नहीं रहा है, उसको कौन देगा? आप ही लोग दिखाइएगा ना, आप लोग के ऊपर जो मीडिया है, आप लोग तो अभी स्टार्ट किए होंगे, जो पहले से वो लोग जो मेन चीज़ दिखाना है उसको तो दिखाएगा नहीं। अच्छा, आत्मनिर्भर को लेकर आप कह रहे थे? हाँ, आप जो बोले थे कि आत्मनिर्भर के बारे में, कैसे बनेगा अगर सरकार हम लोग चुनते हैं तो सरकार तो हम लोग की करेगी नहीं, गरीब का किया कब है? जब से देखो तो पैसे वाले का ही कर रहा है वो, तब से अडानी अंबानी यही सब का ना हो रहा है, हम लोग का क्या किया है वो। रही बात अभी सरकार की, तो अभी तो जनता तो जाग गई है। देखिए, वो तो रिजल्ट बताएगा क्या है, अब किसको बोलिएगा? पब्लिक है, कुछ रुपया लेके भी वोट देता है, कुछ नहीं लेके भी देता है। जो अभी गरीबों के बारे में सोचेगा तो उसी को ना बताएगा किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। बाकी अच्छा, रिपब्लिक का जो मामला सामने आता है तो स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होती है? क्या बोले, रिपब्लिक का जो मामला? हाँ, ये तो भाई सिस्टम का ना गलती है कि आप हर पेपर लीक करवा रहे हैं। स्टूडेंट साल साल भर मेहनत कर रहा है, अपना घर द्वार छोड़ के, हर कोई स्टूडेंट थोड़ी चाहता है घर छोड़ के हम बाहर रहें, सब चाहता है कि हम माँ बाप के साथ रहें। कोई नहीं चाहता है कि हम पढ़ाई करें साल साल भर घर छोड़ के। अब साल भर मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम दे के आते आते पता चलता है पेपर लीक हो गया है, सेंटर पे से बाहर निकलता है पेपर लीक का पता चल जाता है। अभी फिर BPSC ट्री वाले का अभी फिर सुने पेंडिंग कर दिया है, अभी पता है अभी जस्ट कैंसिल हुआ है। रोज़गार को लेकर यही सोचते हैं कम से कम जितना रिक्ति है, ठीक है, चाहे बिहार में हो चाहे सेंट्रल में, कम से कम उतना निकाला जाए, ठीक है, बाकी और ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि हाँ 2 करोड़ 4 करोड़ ये सब कमेंट करना हम लोग के लिए सही नहीं है। कम से कम जितना खाली है उसको निकाल दिया जाए, और ये जो अभी पेपर लीक का मसला चल रहा है चाहे BPSC हो, ये सबको थोड़ा रोका जाए, ठीक है। और दो चीज़ रिक्वेस्ट अभी करना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले है पटना हाई कोर्ट अभी BPSC के एग्ज़ाम को TRE 3 को अभी स्टे लगाई है, ठीक है। उसमें कुछ मांग हम लोगों का भी है, जैसे अभी ठीक है एक्सपीरियंस के तौर पर उन लोगों को नंबर कुछ ऐड करने का कहा गया है कि जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उसको कुछ नंबर ऐड कर दिया जाए, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं अगर ठीक है उनको एक्सपीरियंस में अगर नंबर देते हैं तो हम लोग का ये मांग है, आप एक्सपीरियंस में अगर नंबर दे रहे हैं, ठीक है, आयोग से हम लोग ये बस रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस में दीजिए, लेकिन एक चीज़ कम कर दीजिए, आप एज कट ऑफ वो ख़त्म कर दें, कि होता ना कि आप जो सीनियरिटी के बेस में आप उसको नंबर अभी दीजिएगा माननीय उच्च न्यायालय के इसमें नंबर पर आप दीजिए, लेकिन एज वाला कम कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम लोग को फिर दिक्कत होगा, जो लोग सीनियर है उन लोगों को दोनों फ़ायदा मिल जाएगा, 5-5 नंबर करके ऐड होंगे, जो 5 साल करेंगे तो 25 नंबर, ठीक है, और फिर उनको एज के हिसाब से भी मिलेगा, तो फिर हम लोग तो फिर लटक के रह जाएंगे। एक ये, और दूसरा ये करना चाहते हैं TRE 3 में जो लोग जिस लोगों पर FIR हुआ था, ठीक है, ये जांच का विषय है, आयोग तय करे चाहे EOU करे, कम से कम उन लोगों को बैन लगाया जाए। उससे क्या होगा कि हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आगे चल के वो लोग या जो लोग पैसा दे के करना चाहते हैं वो लोग थोड़ा डरेंगे, हम लोगों के अंदर मोटिवेट थोड़ा फील करेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से दे पाएँ। बाकी तो कौन क्या है आयोग को तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, आयोग तो बस एग्ज़ाम करा रही है, बीच वाले कोई कर रहे हैं, ठीक है, अब कौन सही है कौन गलत हम लोग नहीं जानेंगे, बस हम लोग ये चाहेंगे जिन लोगों पर FIR हुआ था कम से कम उन पर बैन लगाइए, उससे बाकी लोग डरेंगे, हम लोग को अच्छा फील होगा, हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले की नोटिस है TRE 3 वाला, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि आप नंबर दीजिए सीनियरिटी में, लेकिन एज वाला कटअप को थोड़ा हटा दिया जाए, उससे फिर हम लोग जो अभी नए नए हैं हम लोगों को फिर दिक्कत होगा,
दोनों फायदा उन लोगों को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा हम बस, बाकी और हम नहीं कह पाएंगे, बाकी और लोग से पूछा जाए। बस यही है, छात्र चाहते हैं एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप स्टार्टअप ठीक है, सब कुछ सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एटलीस्ट जितना खाली है बस उतना निकाल दें और तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, तरीके से हो जाए, लीक नहीं हो, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी जो लोग ठीक है, अगर आप नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब कब तक करेंगे, नहीं हो पा रहा, आप एक पॉलिसी है जिस तरीके से गवर्नमेंट तो कर देती है, इम्प्लीमेंट अच्छे से हो ताकि लोग, बाकी लोग स्टार्टअप करना चाहें तो उनको फ़ंड मिल पाए, बस यही, और ज़्यादा कुछ नहीं। जितना खाली है उतना कर दें, बाकी हम लोग का ये, बाकी लोग कहें 2 करोड़ 3 करोड़, हम लोग को नहीं कहना, बस खाली जितना उतना निकाल दीजिए, चाहे जो सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, उससे मतलब नहीं। छात्र बस अपना हित चाहती है और कुछ नहीं। थैंक यू। नाम क्या? नाम शहबाज आलम हुआ। नाम जानना चाहते हैं? बस युवा हैं, बस काफ़ी है, बेरोजगार हैं। तो हम अभी एक पटना के एक लाइब्रेरी में मौजूद थे। यहाँ पे छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। आपने सुना कि छात्र रोज़गार के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी पूरी वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमारे स्पॉन्सर प्रीपॉड को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो फॉर्म में आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसकी एक खासियत है कि आप कहीं भी काम करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी यहाँ ऑडियो के फॉर्म में तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।